बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आज बना रही हूँ देसी स्टाइल में रोगनी चिकन या शोरबे वाला, ठीक है। तो ये बहुत ही मज़े का लगता है कि देसी स्टाइल में हम बनाएंगे इसको। और ये मैंने धो के चिकन को रख लिया है आपको दिखाने के लिए, बाकी का सब कुछ स्टेप बाई स्टेप दिखाएंगे। जैसा कि हमने कहा है, रोगनी तरी वाला हम सालन बनाएंगे आज देसी स्टाइल में। तो हम ऑयल डाल देंगे तकरीबन 200 से 250 ग्राम के करीब। तो सबसे पहले मैंने प्याज है, ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, ये डाल देंगे। क्योंकि चिकन बहुत देसी है, देसी नहीं है, फार्मी है, ठीक है। ये जल्दी से गल जाती है, तो प्याज कहीं साबुत ना रह जाए, इस वजह से हमें इसे इसका पेस्ट बनाना पड़ता है। तो हम इसे कलर आने तक फ्राई करेंगे। और एक बात और, हमारे बराबर में हो रहा है किसी के घर में काम, तो आवाज़ और आ रही है, तो उसको आप माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। उनके यहाँ काम चल रहा है, मैंने रेसिपी स्टार्ट कर दी थी और उनका काम स्टार्ट हो गया इत्तेफाक के। ये साबुत गरम मसाला है, ये तेज़पत्ता लिया है, दालचीनी ली है, लौंग ली है, ज़ीरा है हाफ टीस्पून, इस तरह से बस तकरीबन 1 किलो गोश्त के करीब है, इस वजह से मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ये गरम मसाला मिक्स करके डाल दिया है। 5-6 लौंग हैं, 10-12 काली मिर्च हैं, ये स्टिक है फेमिनिन, और ये तेज़पात है। चिकन हम डाल देंगे साथ में, इसे फ्राई कर लेंगे ताकि उसका भी कलर बढ़ जाए और इसका भी कलर आ जाए। 1 किलो चिकन लिए मैंने, चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, बदल लिया है। दो टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन की स्मेल दूर होगी तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। दूर हो गई है तब टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। मैंने 3 अदरक टमाटर तकरीबन 200 ग्राम के करीब डाल दिए हैं, और ये 150 ग्राम के करीब ये दही डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून डाला हल्दी, 1 चम्मच धनिया डाल दिया, 1 टेबल स्पून, और ये 1/2 नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। नमक 1 टीस्पून के करीब फिलहाल मैं डाल रही हूँ। तो जब तक ये भुन रहा है मैं रिपीट कर देती हूँ आपको एक मतलब और। मैंने ये 2 बड़ी प्याज थी जिन्हें मैंने पेस्ट बना के फ्राई किया, फिर मैंने साबुत गरम मसाला डाला, उसके बाद उसको फ्राई करा, फिर मैंने चिकन डाली, 1 किलो चिकन डाली, उसको फ्राई किया, फिर मैंने टमाटर का पेस्ट, 3 अदरक टमाटर के पेस्ट डाले, उसे भुना, दही डाली 1/2 पाव के करीब, वो डाली, 1 टेबल स्पून धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1.5 टेबल स्पून के करीब मिर्च डाली है। मुझे हमें तेज़
पसंद है मिर्च मसाले, इस वजह से मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला है। ठीक है, अब इसे हम सब मसाले डाल चुके हैं, अब इसे हम गलने के लिए चिकन को रख देंगे और फिर देखेंगे गलने के बाद हमें क्या करना है। पानी कुछ हो चुका है और चिकन भी गल गई है, तो अब हम इसे 1/2 टीस्पून के करीब मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। ठीक है, गरम मसाला मैं एंड में डालती हूँ क्योंकि अक्सर रह जाती है स्मेल अदरक लहसुन की, एंड में डालने से और भूनने से इसकी स्मेल निकल जाती है। ये 2 हरी मिर्चें डाल दी मैंने, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने हरा धनिया अभी भूनते हुए डाल दिया। और हम जितना हमें शोरबा रखना है वो डाल देंगे। आप चाहें तो इससे ज़्यादा, 1 गिलास डाला है, आप 2 गिलास भी डाल सकते हैं, चिकन बहुत ज़्यादा है, 1 किलो के करीब है, आप अपने डाल सकते हैं। और अब रख देंगे इसको 10 मिनट दम पर। तो सालन बिल्कुल हो गया है तैयार और अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, अभी फ़िलहाल रखा हुआ है। मैं आपसे अब इजाज़त चाहती हूँ, तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।